गुड मॉर्निंग, मैं रूप सर आप सबके लिए लाया हूँ। मध्य प्रदेश में मंद औद्योगिक विकास के क्या कारण हैं? यह मध्य प्रदेश की मेंस की परीक्षा में यह क्वेश्चन अभी तक 3 टाइम्स पूछा जा चुका है, तो यह क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आज पेपर नंबर 3 का भाग दूसरे का दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया है। इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक रोज करा रहा हूँ, 17 टॉपिक हैं, एक टॉपिक हो चुका है, दूसरा टॉपिक आज से कर रहे हैं। औद्योगिक विकास होता क्या है, पहले इस चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। औद्योगिक विकास या औद्योगिकरण किसी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, जिससे वहां रोजगार और समृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है। भारत जो एक कृषि प्रधान देश है, औद्योगिक विकास की महत्ता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि देश की अधिकांश जनसंख्या खेतों पर ही निर्भर रहेगी, जिससे हम औद्योगिक विकास के माध्यम से रोजगार प्रदान कर सकते हैं। भारत में औद्योगिक विकास का इतिहास विस्तृत रहा, जिसके अनुभव से हम आने वाले समय में सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। हमारा देश राज्यों का समूह है और हमारे देश राज्यों के विकास उतना ही आवश्यक था जितना कि देश के लिए। यद्यपि हमारे देश कुछ राज्य विकसित श्रेणी में आते हैं एवं कुछ राज्य आज भी पिछड़े हुए हैं, जिनमें एक हमारा राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश जो कि भारत के हृदय में बसता है, ग्रामीण पृष्ठभूमि प्रदेश है, जहां पर विकास की अपार संभावना के बावजूद मध्य प्रदेश अपेक्षित विकास को प्राप्त करने में असफल रहा। 1980 के दशक में प्रदेश की औद्योगिक उन्नति की एक झलक देखने को मिलती है, परंतु कुछ ही वर्षों में वह दिव्य स्वप्नता मात्र बन के ही रह गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नया दौर 1991 में शुरू हुआ, जहां पर अर्थशास्त्र नीति धारक से लेकर जनमानस तक नई भूमिकाओं में सम्मिलित होने के लिए तत्पर होता रहा। लेकिन 1991 की नीति ने जहां देश की दिशा बदलने का कार्य किया, जहां एक ओर लाइसेंस राज्य खत्म किया, वहीं दूसरी ओर निजीकरण को बढ़ावा दिया। देश की समृद्धि को 4 चांद लगाने के लिए भागीरथी प्रयास किए गए, परंतु यह प्रयास पर्याप्त नहीं रह पाए। मध्य प्रदेश इन प्रयासों से भी अछूता रहा। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने समय समय पर औद्योगिक नीति बनाकर विकास हेतु प्रयास किए, परंतु फिर भी कुछ कारण थे जिनकी वजह से प्रदेश का औद्योगिक विकास मंद श्रेणी में चला गया। आइए अब हम इन कारणों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप जब ये इतना सारा डिस्क्रिप्शन आप अगर जब ये क्वेश्चन 15 नंबर में आई है तो ही इतना सारा डिस्क्रिप्शन देंगे, अन्यथा आप डिस्कशन नहीं देंगे। आप सिंपल अगर 6 नंबर में क्वेश्चन आई है तो आप सीधा इस क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट करें। सबसे पहले मध्य प्रदेश देश के हृदय प्रदेश कहा जाता है, यहाँ पर औद्योगिक विकास की अपार संभावना है। यहाँ औद्योगिक विकास के लिए कृषि से कच्चा माल, वनों से कच्चा माल इजीली हमें प्राप्त हो सकता है, लेकिन सरकार की उचित नीतियों एवं केंद्र सरकार का उदासीन रवैया आदि कई कारण मध्य प्रदेश के मंद औद्योगिक विकास के पीछे हैं। अब हम चर्चा करते हैं मंद औद्योगिक विकास के कारण। जब आप इस प्रकार से चार्ट बना लें, ऊपर मंद औद्योगिक विकास लिख दें यहाँ पर, ठीक जैसे मंद औद्योगिक विकास लिखेंगे फिर एक चार्ट यहाँ पर एरो और यहाँ पर, तो ये सारे पॉइंट्स जो आपको डिस्क्रिप्शन करने हैं। संसाधनों का अभाव, युवा उद्यमियों का अभाव, प्रौद्योगिकी का अभाव, पूंजी का अभाव, परिवहन संसाधनों का अभाव, अनुसंधान की कमी, विदेशी निवेश की कमी, साक्षरता का अभाव, जल का असमान वितरण, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, केंद्र सरकार का उदासीन रवैया, आधारभूत संरचना की कमी, उचित नीति का अभाव, कुशल श्रमिक की कमी, अनुसंधान की कमी, जल का समान वितरण, सामाजिक आर्थिक दशाएं, आधारभूत संरचना। जब इतने सारे पॉइंट्स को आप बता दोगे कि ये कारण है, तो अगर 6 नंबर के आया है तो आप बहुत सारा डेटा उसको बता चुके हो। अब देखो इसके एक एक पॉइंट को एक्सप्लेनेशन देते। संसाधनों का अभाव, मध्य प्रदेश के पश्चिमी में संसाधनों का अभाव है,
यह मध्य प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि पीछे हटने का एक प्रमुख रीजन था, क्योंकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में खासकर विकसित जिले आते हैं जहां पूंजी अधिकता होने के बावजूद संसाधन की कमी की वजह से औद्योगिक विकास अवरुद्ध रहा। प्रौद्योगिकी की कमी, संसाधन की ओर से भारत के सापेक्ष मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों की तुलना में खनिज संपन्न राज्य रहा, परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण इस औद्योगिक विकास को धीमा करता रहा। पुरानी तकनीक से उत्पादन क्षमता कम रहती है, जिसकी वजह से हमारे उद्योग पिछड़े रहे। केंद्र सरकार का उदासीन रवैया, मध्य प्रदेश पहले बीमारू राज्यों में आता था, जिसकी वजह से निवेश के लिए केंद्र सरकार उतना जोर नहीं दिया गया, जिससे अब जिला अपेक्षित था और सरकारी निवेश की कमी प्रदेश को हमेशा खलती रही। पूंजी निर्माण की दर का निम्न होना, उद्योगों को लगाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, अतः यदि पूंजी निर्माण कम हो तो उसका औद्योगिक विकास पर भी नकारात्मक असर होगा। नेक्स्ट है सस्ते परिवहन संसाधनों का अभाव। औद्योगिक विकास के लिए उसकी गति को त्वरित करने के लिए परिवहन के संसाधन अति महत्वपूर्ण होते हैं। जिस प्रकार शरीर में धमनियां रक्त प्रभाव को बनाए रखती हैं, उसी प्रकार किसी अर्थव्यवस्था में परिवहन जो है कि संसाधन साधनों को प्रभाव बनाए रखने में मदद करते हैं। मध्य प्रदेश में सड़क और अन्य परिवहन के संसाधनों का अभाव औद्योगिक गति को मंद करता है। अनुसंधान की कमी, औद्योगिक विकास के खनिज संसाधनों पर निर्भर करता है, जिसके लिए समय समय पर अनुसंधान आवश्यक होते हैं, जिससे खनिज की गुणवत्ता, उपलब्धता एवं उपयोगिता का पता चलता है। हमारे प्रदेश में अनुसंधान की कमी भी औद्योगिक विकास न होने के पीछे एक कारण है। साक्षरता का अभाव, औद्योगिक विकास में कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है, जिनको हम शिक्षा के माध्यम से कुशल बना सकते हैं। साक्षरता का एक महत्वपूर्ण सोपान है जिससे औद्योगिक विकास प्रभावित होता है। जल का असमान वितरण, प्रदेश में जल का असमान वितरण औद्योगिक विकास को और भी अधिक असमान कर देता है। आर्थिक कारक, आर्थिक कारक का में सबसे महत्वपूर्ण होता है पूंजी कर उपलब्धता। पूंजीगत संसाधनों को खरीदने के लिए एक मजबूत अर्थतंत्र की आवश्यकता होती है, जिससे ग्रामीण स्तर से लेकर हम मगान नगर तक उद्योग को स्थापित किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में आजादी के बाद बैंकिंग प्रणाली उतनी मजबूत नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी, अतः इसका असर औद्योगिक विकास पर हमें देखने को मिलता है। सामाजिक कारण, भारत एक विविधता वाला देश है, विविधता प्रदेश में और अधिक विविध हो जाती है, क्योंकि यह प्रदेश जनजातियों का प्रदेश है। जनजातियों का निवास स्थान सादा खाना जंगल होता है, जहां वे अपने को प्रकृति का हिस्सा मानते हैं, जिससे उनके बीच औद्योगिकरण एवं उद्योग विकास की अपेक्षाएं सरकार के अनुसार नहीं होती। युवा उद्यमियों की कमी, कहते हैं युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति होती है, जो पर्वतों को काटकर समुद्र को उलीचने तक का कार्य करने का साहस रखती है। यदि यह युवा शक्ति औद्योगिकरण में अपना हाथ बटा ले तो निश्चित रूप से औद्योगिकरण तीव्र हो सकता है, परंतु प्रदेश में युवा उद्योगों की कमी विकास कम करता है। विदेशी निवेश की कमी, जैसा कि हम जानते हैं निवेश उद्योगों की आत्मा होती है, अतः समय समय पर देशी सरकारी विदेशी निवेश की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रदेश का दुर्भाग्य रहा कि प्रदेश पर विदेशी निवेश हमेशा अभाव ग्रसित रहता है। अन्य कारक, सामाजिक सोच, धार्मिकता, इच्छा शक्ति को रख सकते हैं। किसी भी कार्य के प्रति यदि उदासीन रवैया पहले से अपना लिया जाए तो हम असफल हो जाते हैं, अतः सम्मिलित रूप से यह कारक विदेश में उदासीन प्रभाव डालते हैं, औद्योगिक विकास को मंद ही रखेगा। यदि यह सकारात्मक प्रभाव डालते तो उचित रूप से हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। उचित नीति का अभाव, औद्योगिक विकास के लिए अभी आवश्यक है सरकार द्वारा नीतिगत पहल की जाए, क्योंकि औद्योगिक नीतियां औद्योगिक विकास का प्रेरक होती है। लेकिन मध्य प्रदेश ने इस संबंध में पहल नहीं हुई कारण सार्वजनिक नीतियों को उद्योग का प्रोत्साहन नहीं मिला। आधारभूत संरचना से आज से बिजली, सड़क, रेलवे, अन्य संसाधनों की उपलब्धता,
यहाँ कच्चे माल को ले जाने और तैयार माल को ले जाने में सहायक होते, परंतु मध्य प्रदेश में बिजली, सड़क, रेल मार्ग की कमी हमेशा विकास में बाधक रही। सामाजिक आर्थिक दशाएं, उद्योग के उत्पादन के लिए मांग का होना आवश्यक है, जबकि मांग के लिए समाज में आर्थिक क्षमताएं होना चाहिए। मध्य प्रदेश गरीब, निम्न आर्थिक क्षमताएं, स्थानीय घरेलू मांग को मंद बनाए रखा, यही औद्योगिक विकास का कारण बना। ठीक, नेक्स्ट है अपना भौगोलिक अवस्थिति। उद्योग का विकास तटीय राज्यों में अधिक होता है, यानी तटीय जो राज्य हैं वहां पर अधिक होगा, वहां पर पतन सुविधाएं उपलब्ध होती है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और धरातलीय उच्चावच रेल मार्ग के विकास में बाधक रहे हैं, वह पतन भी सुविधा नहीं होने से विकास में गति मंद हुई। औद्योगिक विकास के लिए अब हम क्या सुझाव करें कि हमारे देश में, मध्य राज्य में औद्योगिक विकास तेजी से हो? सबसे पहले तकनीक बेस्ड, वर्तमान युग तकनीक और संचार का युग है, जो अपन ने कारण पढ़े इसी को बस पॉजिटिव टर्म में अगर हम दें तो वही हमारे सुझाव हो जाते हैं। इसलिए नवीन संसाधन, खोज, उत्पादन, वितरण, आधुनिक उपकरण जैसे ऑटोमेटिक मशीन, कंप्यूटर आदि का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। औद्योगिकरण के लिए परिवहन आधारभूत इकाई, इसलिए सड़क, रेल व परिवहन को तीव्रगामी बनाया जाए, जिससे समय, श्रम, धन की बचत होगी और औद्योगिक विकास तीव्र गति से होगा। औद्योगिक विकास में संचार के साधनों का दिन प्रतिदिन महत्व बढ़ता जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो या ऐसी कोई दूसरी तकनीक जिसके माध्यम से औद्योगिकरण को बढ़ावा मिले, उससे प्रदेश को अत्यधिक प्रयोग करना चाहिए। सैटेलाइट के माध्यम से खनिजों और एवं संसाधनों की मैपिंग करना चाहिए, जिस दोनों में खनिज भंडार होंगे, जिस देश में खनिज भंडार होंगे, स्थानीय रूप से उन क्षेत्रों में अधिक से अधिक उद्योग को स्थापित करने का प्रयास किया चाहिए। फिर है स्थानीय लोगों के बीच विश्वास का वातावरण बनाना और उनकी सुरक्षा, रोजगार सुनिश्चित करना, जिससे हमें औद्योगिकरण में अपेक्षित सहयोग मिलेगा। पहले से स्थापित सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अर्थात अगर जिस क्षेत्र को सेज घोषित कर दिया जाता है वहां पर टैक्स की दर कम होती है, इंदौर, धार, ग्वालियर, सीधी, सिंगरौली विस्तृत किए जाएं और नए सेज की स्थापना की जाए। मध्य प्रदेश में 26 औद्योगिक विकास केंद्र, जिसमें 6 केंद्र सरकार, 20 राज्य सरकार देखती है, इसमें केंद्र सरकार की भूमिका बढ़ाई जाए, साथ ही राज्य सरकार अपने बजट से ज्यादा धन इंद्र केंद्रों को देने का प्रयास करे। जिस प्रकार किसानों ने सहकारिता के माध्यम से 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, उसी प्रकार नए उद्यमियों को न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। एकल खिड़की योजना को मजबूत बनाना एवं व्यापक बनाना चाहिए। ई रजिस्ट्रेशन समय के अनुरूप बदलाव आवश्यक होते हैं, अतः उद्यमियों को ई रजिस्ट्रिंग सुविधा प्रदान की जाए, जिससे पारदर्शिता के साथ साथ दूसरे तत्व जैसे समय, धन आदि की बचत होगी। प्रदेश स्तर पर आयात निर्यात नीति को मजबूत किया जाए, उच्च तकनीक का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाए, विस्तार नीति अन्य क्षेत्रों में भी हो जहाँ संसाधनों की उपलब्धता है। सरकार औद्योगिक नीति का क्रियान्वयन प्रक्रिया को आसान करे और कुटीर उद्योग के माध्यम से औद्योगिकरण को बढ़ावा दे। कल की हमारी क्लास होगी मध्य प्रदेश में औद्योगिक नीति 2010, उसमें क्या प्रावधान है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप सभी से जो इस पे कर रहे हैं प्रयास, तो एक और टॉपिक कल अपन पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग के ऊपर लेख, चुनौतियां और समस्या को दूर करने के उपाय। तो जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनसे रहेगा कि दोनों क्वेश्चन पे आप लिखें और मेरे मेंस ग्रुप जो है उसमें अपना लेखन दे सकते हैं, और उस पर मैं आपके गलतियां जो होंगी उसको भी मैं चेक करके बताऊंगा। साथ ही अपना डेटा पीडीएफ की फॉर्म में दें, जिससे मुझे चेक करने में आसानी होगी। तो कल तक के लिए दो टॉपिक अपन पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में औद्योगिक नीति 2010 और मध्य प्रदेश में कसूती कपड़ा के मंद औद्योगिक विकास के कारण क्या है, यानी औद्योगिक विकास का कारण विकसित क्यों नहीं हो पाए। जय हिंद।